दोस्तों देखिए, ये जो है लैपटॉप का जो आप देख रहे हैं सामने, व्हाट्सअप वेब जो हम अपने इंस्टॉल किया है, वो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर है। ये देखिए, ये हमारा जो हमने इंस्टॉल किया है अपने पीसी पर, ये हमारा एप्लीकेशन है और हमें इसको यूज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो है इस व्हाट्सअप से ये बिजनेस। और हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप जो है अपने व्हाट्सअप वेब को किसी भी डिवाइस पे, विंडो 7, विंडो 10 और विंडो 8 सभी पर चला सकते हो। लेकिन एक सीक्रेट है, यदि आप जो है व्हाट्सअप वेब का इस्तेमाल और भी अच्छे एक्सपीरियंस के साथ करना चाहते हो, तो आपको अपने लैपटॉप पर, अपने विंडो 10 पर जो है व्हाट्सअप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, हाउ टू इंस्टॉल व्हाट्सअप ऑन विंडो 10, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप मोबाइल से कैसे स्कैन करके अपने व्हाट्सअप वेब को जो है अपने लैपटॉप में देख सकते हैं। यदि आपके पास, एक बात और बताता हूँ, यदि आपके पास विंडो 10 है तो आप व्हाट्सअप का एप्लीकेशन रन कर सकते हैं बेस्ट एक्सपीरियंस से। और विंडो 10 के लोअर वर्जन का जो है विंडो है, जैसे कि विंडो 7 है, विंडो 8 है, अगर ये सब रखा है तो उस पर जो है व्हाट्सअप का एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। तो उसके लिए कौन सा ट्रिक है वो जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाएंगे और वहाँ पर जो है हम अपने व्हाट्सअप डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको सीधे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करना है और सर्च बार में जाकर टाइप करना है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप हमने टाइप किया तो यहाँ पर मैसेज फॉर व्हाट्सअप एंड टेक्स्ट इनक्रिप्ट फॉर व्हाट्सअप और कई सारे जो है यहाँ पर व्हाट्सअप के एप्लीकेशन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमें टॉप लेवल का व्हाट्सअप डेस्कटॉप ऐप ही इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ सेकंड के बाद सामने यहाँ पर आ जाएगा व्हाट्सअप का एप्लीकेशन। तो हमें सिर्फ वन क्लिक से इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने पीसी में। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर इसको इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल्ड स्टार्ट डाउनलोडिंग, डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अब नीचे आएंगे तो थोड़ा सा आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसे ही आप जो है सिस्टम रिक्वायरमेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिख रहा है कि योर डिवाइस शुड मीट द रिक्वायरमेंट फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस, यानी कि मेरा जो लैपटॉप है वो विंडो 10 प्रो पर चलता है। तो यदि आपका जो है डिवाइस यानी कि लैपटॉप या कंप्यूटर विंडो 10 पर है या फिर विंडो 10 से ऊपर लेवल पे है, विंडो 10 होम, विंडो 10 प्रो, तो ये एप्लीकेशन व्हाट्सएप का बहुत अच्छे से रन करेगा, बेस्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, और क्या चाहिए इसमें, इसमें आपको इस एप्लीकेशन व्हाट्सएप का, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपके लैपटॉप में विंडो 10 वर्जन या इससे हायर, यानी विंडो 10, कम से कम विंडो 10 हो, उससे हाईअर विंडो 10 प्रो हो सकता है, विंडो 11 हो सकता है, विंडो 12 और 13 हो सकता है, जो कि अभी आया नहीं है। तो चलिए, हमारा जो जो डेस्कटॉप का एप्लीकेशन था व्हाट्सअप इंस्टॉल हो चुका है हमारे लैपटॉप पर, हम इसको लॉन्च करते हैं। तो चलिए, हमारे जो है पीसी पर व्हाट्सअप इंस्टॉल हो गया है। अब हम व्हाट्सअप वेब को इस्तेमाल करके देखेंगे कैसे जो है ये काम करता है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम इसको ओपन करेंगे व्हाट्सअप को, तो ये इस तरह से आपके लैपटॉप पर दिखाई देगा, यानी कि फ्लैट इसी तरह दिखाई देगा। आप ये ना सोचिए कि आपके मोबाइल में जिस तरह से व्हाट्सअप ओपन होता है फर्स्ट टाइम, उस तरह से दिखाई देगा। ये बेसिकली जो है लैपटॉप के लिए डिजाइन किया गया है ताकि आपके व्हाट्सअप चैट का एक्सपीरियंस बेटर बनाया जा सके। ठीक है, तो अब आप इसमें व्हाट्सअप चलाएंगे कैसे, इसमें क्या है कि आपको अपने मोबाइल में जो व्हाट्सअप चलाते हैं वहाँ से इसको स्कैन करना पड़ेगा इस QR कोड को। उसके बाद से आप सारे मोबाइल के जो मैसेजेस हैं व्हाट्सअप पे, जो अपने चैट किए हैं, कॉन्टैक्ट है, वो सारा का सारा जो है यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से आप अपने व्हाट्सअप पर चैटिंग, कॉलिंग, टेक्स्ट मैसेज, लोकेशन शेयरिंग, फ़ोटो सेंडिंग, डाटा ट्रांसफ़र सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। तो कैसे कर सकते हैं, मैं एक बात और बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास विंडो 10 ना हो या फिर विंडो 10 प्रो ना हो, तो ऐसी हालत में आप क्या करेंगे। इसके लिए एक और तरीका है जिसका यूज करके आप अपने, मान लीजिए कि आपके पास विंडो 7 है, विंडो 8 है, तो आप कैसे अपने व्हाट्सअप चलाएंगे, व्हाट्सअप मोबाइल लैपटॉप पर कैसे चला सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा किसी भी, जो भी ब्राउज़र आप यूज करते हैं अपने लैपटॉप में, उसमें जाना है और टाइप करना है web.whatsapp.com। ठीक है, जैसे ही आप web.whatsapp.com यहाँ पर सर्च करते हैं तो सेम लाइक दिस जो एप्लीकेशन हमने जो इंस्टॉल किया है विंडो 10 पर, वो उसी तरह से सब कुछ फॉर्मेट आपको दिख दिया जाएगा यहाँ पर स्क्रीन पर। लेकिन ये अगर आपके पास विंडो 10 नहीं है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं विंडो 7 में, इसको आप किसी डिवाइस पर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये एक वेबसाइट है,
वेबसाइट का टूल्स कह सकते हैं। इसको आप मोबाइल पर, टैबलेट पर, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो विस्टा, किसी भी लिनक्स, किसी भी मतलब अदर विंडो 10 के नीचे जो भी विंडो वर्जन है उस सभी पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और मोबाइल डिवाइस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वेब बेस्ड जो है वेबसाइट है और आपको अपने मोबाइल से इसको स्कैन करके चलाना है। तो ये आप समझ गए कि आप जो है विंडो 7 में जो है व्हाट्सअप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके साथ ही विंडो 10 में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कैसे आप जो अपने मोबाइल से इस व्हाट्सअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो है लैपटॉप का जो आप देख रहे हैं सामने, व्हाट्सअप वेब जो हम अपने इंस्टॉल किया है, वो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर है। ये देखिए, ये हमारा जो हमने इंस्टॉल किया है अपने पीसी पर, ये हमारा एप्लीकेशन है और हमें इसको यूज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो है इस व्हाट्सअप से, ये बिजनेस व्हाट्सअप है लेकिन ये दोनों एक ही मतलब कंपनी के हैं तो हम दोनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको नॉर्मल व्हाट्सअप से बताता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। तो जैसे ही व्हाट्सअप ओपन करेंगे, आपको 3 डॉट स्टार्टिंग जाएंगे, तो यहाँ पर जैसे तीसरे ऑप्शन पे आपको मिलेगा व्हाट्सअप वेब, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो बोला यूज व्हाट्सअप ऑन अदर डिवाइस, ठीक है, लिंक का डिवाइस। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्कैन हो गया और यहाँ पर लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि विंडो 10 नहीं लिख रहा है, विंडो लिख रहा है कि विंडो इज एक्टिव, विंडो लिख रहा है, विंडो एक्टिव है और यहाँ पर जो है डिवाइस लिंक हो गया है। अगर हमें अलग से और डिवाइस लिंक करना है तो सीधे इस पर क्लिक करेंगे तो अदर डिवाइस लिंक हो जाएगा और यहाँ पर कुछ समय के बाद देखिए यहाँ पर आ गया, जो हमारा मोबाइल पर व्हाट्सअप था वो यहाँ पर जो है लैपटॉप पर आ चुका है, ठीक है। तो अब सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं जो आप व्हाट्सअप पर करते थे। देखिए, हालांकि अब जो है व्हाट्सअप का वीडियो कॉलिंग का फीचर्स भी आ गया है, तो अब जो है अपने लैपटॉप से वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं व्हाट्सअप से, पहले ये नहीं था, पहले सिर्फ फ़ोन का था और ये जो है वीडियो कॉलिंग का फीचर्स आ गया है। तो आप अपना जो व्हाट्सअप पर वीडियो कॉलिंग करना चाहते हैं तो आप लैपटॉप पर कर सकते हैं और चैट कर सकते हैं, यहाँ से वॉइस मैसेज भेज सकते हैं और ये सब कुछ जो है जैसे कि फ़ोटो भेजना, फ़ोटो और वीडियो ट्रांसफ़र करना या फिर जो फ़ोटो लेना, डॉक्यूमेंट सेंड करना, वो सब कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर, रूम बनाना, सब कुछ आ गया। ये एक नया फीचर्स आया है यहाँ पर, वीडियो कॉलिंग पहले नहीं आता था व्हाट्सअप का लैपटॉप से करने के लिए, लेकिन अब वो भी आ गया है, ठीक है। तो चलिए, ये तो था यहाँ से, अब ये भी देखिए यहाँ पर ये आ गया है जो हमने वेबसाइट पर खुला था अदर डिवाइस के लिए। तो इसको भी अगर हमें लिंक क्लिक करना है तो यहाँ पर सीधे क्लिक करेंगे तो देखिए आ गया कि हम जो है क्रोम, गूगल क्रोम विंडो पर आ गए हैं। वन टाइम में सिर्फ जो है एक ही डिवाइस पर रह सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो है उस पर जाकर देखेंगे तो उस पर नहीं रहेगा शायद, देखिए क्लिक किया तो देखिए लिख रहा है कि व्हाट्सअप इज ओपन ऑन इन अदर कंप्यूटर और ब्राउजर, क्लिक यूज हियर टू यूज व्हाट्सअप इन दिस विंडो। तो अगर आपको यहाँ से लॉगआउट करना तो कर सकते हैं या फिर यूज हियर करेंगे तो फिर से वही होगा कि आप फिर से जो है आपको स्कैन करना पड़ेगा। लीजिए, स्कैन नहीं करना पड़ा, ऐसे ही हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जाकर देखें तो यहाँ पर भी सेम चीज़ दे रहा है। तो हम दोनों जगह पर ऐसे सिर्फ इसको यूज हियर करके या फिर एक जगह से लॉगआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से लॉगआउट कर दिया है, उसके बाद से जो विंडो का एप्लीकेशन है जो हमने इंस्टॉल किया है इस पर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से आ गया है। तो इस तरह से आप जो है अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके अपने लैपटॉप पर जो है व्हाट्सअप वेब चला सकते हैं, ठीक है। और जो है अगर विंडो 10 नहीं है तो आप विंडो 7 पे चला सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए रामजी टेक्निकल।